अगर आपके अपने आपको अपने माउस का कर्सर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ पे कंट्रोल, सॉरी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा ईज़ ऑफ एक्सेस, ईज़ ऑफ एक्सेस पे जाएंगे तो माउस का जो भी आपको माउस कर्सर पॉइंटर का यहाँ पे ऑप्शन है, कर्सर पॉइंटर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। कौन सा कलर आपको लेना है वो आप कलर ले सकते हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं। कर्सर को कितना बड़ा आपको करना है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए मैंने इतना बड़ा कर लिया है, तो आप जो है कर्सर को इतने हिसाब से अपना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आपको कर्सर किस कलर का करना है, जिस कलर में आप चाहते हैं, या आप कस्टम साइज का कोई कलर पिक करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मुझे रेड लेना है तो मैं यहाँ पे रेड ले सकता हूँ, ये देखिए कर्सर पॉइंट को, और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। ब्लैक आपको करना है तो ब्लैक कर लीजिए, यहाँ पे रेड करना, ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लीजिए, या जो भी कलर आप चाहते हैं वो आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे 15 पॉइंट तक है, इतने बड़े तक आप कर्सर को अपने कर सकते हैं। तो मैं अभी मान लीजिए मैं इतना बड़ा छोटा सा कर देता हूँ कर्सर को अपने, देखिए। और यहाँ पे आपको अगर टाइप कर्सर को थोड़ा सा बड़ा करना है तो जहाँ पे आप टाइप कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो वहाँ पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे टाइप कर रहा है कर्सर। आप जो कर्सर है उसकी जो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एक वर्ड सिलेक्शन होता है, अगर आप ज़्यादा सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये टिप्स भी आपको बहुत ही काम आएगा।